देख सकते हैं ना किचन उसी फैला करके क्या कर रही है किचन में। चलिए दिखाते हैं क्या कर रही हो। खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कुकर में क्या है? दाल डाल रहे हैं। अच्छा दाल और दाल रोटी सब्जी भुजिया वही पनीर पनीर की सब्जी बनी है ना। हाँ ये सब अरे दाल ही खाता है तो उसके लिए दाल डाल रहे हैं। तो मैं टमाटर लाती हूँ जो ले रही हूँ। टमाटर लाइन में देख लीजिए अभी तक एक तो प्याज काट रही है और प्याज खत्म हो गया है। बंदा दी गई सब्जी लेने ये सब दाल खाएगा। हम लोग खाने के लिए ये सब खाता ही नहीं है तो बोले ये सब के लिए दाल डाल देते हैं। और वहाँ पे मैं पूरा मेरा कमरा फैला हुआ है इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हम लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। ये चीज़ हम आप लोगों को नहीं बताएंगे कि हम लोग कहाँ पूरी फैमिली कहाँ जा रही है। तो डेली ब्लॉग देखिएगा कहीं आप लोग मिस न कर दें तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ ले कहीं झूले भटके मुँह से निकल गया हो सकता है ना सोनाक्षी। हाँ सोनाक्षी पहले सोनाक्षी का वो क्या बोलते हैं जिया जी बोले कि हम नहीं जाएंगे तुम लोगों को जाना है तुम लोग जाओ। तो सोनाक्षी खूब रोने लगी तब जानते हैं ना। और जब क्या कहते साथ में एक लोग कोई नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने तो अच्छा नहीं लगता है ना। पापा नहीं जा रहे हैं तो हम लोग बोले नहीं सब लोग साथ में चलो। तो सबका टिकट कट गया है। 30 दिन का है टिकट। ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा किसी भी दिन। तो बने रहिए ब्लॉग देख लीजिए। यहाँ पे एक बैग इधर एक बैग इधर एक बैग इधर एक बैग इधर इतना फैला हुआ है। मैं आप सबको दिखा देती हूँ इतना फैला हुआ है कि पूछिए मत। और क्या कहते हैं यहाँ पूरा बैग रखा गया था बेड के पीछे और इतना फैला है कि क्या बताए कि घर पूरा भर गया है। तो बने रहिए ब्लॉग में। अरे यार जा रहे हैं कहीं तभी हम तैयारी कर रहे हैं ऐसे नहीं तैयारी कर रहे। हम लोग नहीं जा रहे क्या यार कहाँ रखे का पड़ावा इतना। आधा हमको दे दो। कोई झोला है सुना तुम्हारे पास? झोला तो है लेकिन नहीं दिख रहा है। देख के तेरा यार मुझे भी लेके चलो जहाँ जा रही हो। चलो हम तो तुम नहीं तैयारी की हो क्या झूठ ऐसे बोल रही हो। एक टॉप दिए हो एक टॉप दिए वही पहन के चलेंगे जहाँ जाना होगा। कपड़ा रखी है रख रही है वो वाला लहंगा नहीं लेके चल क्या पिंक वाला कौन सा पिंक का करेंगे पिंक वाला पहन के। तो बने रहिए ब्लॉग में आके देखते क्या। तो काफी लेट बाद सारा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया। सारा कपड़ा मैंने शिफ्ट कर दिया है बैग वगैरह। अब रूम फैला है तो अभी रूम की सफाई नहीं की है। खाना पीना खा लिए क्योंकि 2:30 बज रहा था तो हम कहे पहले पेट पूजा फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ। मैं वार्म वाटर ही पीती हूँ कोल्ड बिल्कुल नहीं पीती। मतलब ठंडा पानी नहीं पीती हूँ वार्म वाटर ही पीती हूँ चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। तो ठंडी के सारे कपड़े मैंने बैग इसके अंदर रख दिया है और मैंने पति के साथ थोड़ा बहुत जैकेट वगैरह बाहर निकला क्योंकि इतना कड़ा धूप निकल रहा है कि बाप रे जिसकी कोई सीमा नहीं है बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मैं पानी पी लेती हूँ फिर सफाई करते हैं। तो भाई ज़्यादा गर्म हो गया क्या? ज़्यादा गर्म करो तो पिया वैसे मैं पी लेती हूँ मेरी आदत है। और इतना गर्मी में दिल्ली में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है दिल्ली में। तो दोस्तों हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं फिर आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है ना पीछे 3-3 सिल्वर प्ले बटन। मैंने सोचा चलो भैया आज पानी आया तो कपड़े भी धुल लेते हैं तो कपड़े भी लगा दिए कपड़ा धुला जा रहा है। एक तरफ कपड़ा इतना गर्मी है कि पंखा एकदम फूल कर दिए हैं और इतना सारा कपड़ा है धुलने के लिए आप लोग देख ही रहे हैं। उधर वंदना दी सफाई कर रही इधर मैं कर रही हूँ जल्दी हो जाएगा। हम जब कपड़ा धुल रहे थे पति जो कि पैंट से मेरे लिए निकला 50 रुपया और मैं सोच रही ये क्या पाउडर है क्या पाउडर है। तो ये देखो निकला है 50 रुपया और मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि तो मेरी आदत ही नहीं कि इनके पैंट में चेक करिए 50 रुपया ही है ना। हाँ सबके अरे ऐसे बोल रहा
तो देख लीजिए पैर में सुखा दूँ। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, धूप से सूख जाएगा। और मेरी याद नहीं कि इनका पैंट चेक करके धुलना कपड़ा होगा चाहिए, नहीं मैंने चेक करती तो मेरा देखो ऐसे ही इनके रहते रहते हैं। ठीक है मैं धुल लेती हूँ, फिर उनको परेशान करती हूँ कि मैंने आपकी जेब में कुछ ऐसा पाया। मैं उनको आज फोन करके पहले परेशान करूंगी और गुस्सा दिलाऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं डाल के हाथ डाली कि देखिए कहीं कुछ सॉक्स वॉक्स तो नहीं है, तो देखिए फिर 20 का नोट निकला है। उधर 50 का था, इधर 20 का। मैं इसको बंद करके चेक करती हूँ कि कहीं और नहीं, क्योंकि चिल्लर उल्लर तो नहीं है। पहले बहुत नसीब कपड़ा पाया, ये पैसा पाती थी ना तू, कपड़ा प्रेस करने वाली पाई जाती थी, पता नहीं चेंज नहीं थे। हम भी ऐसे करते थे जब धोते थे ना मशीन से, बाहर पाउडर नहीं लगा, अभी कब पाउडर रहा है इसलिए हम कहते देखो भैया ये पाती थी 500 का नोट धोते थे, लेकिन बता देते थे। लेकिन अब मैं उनको बोलूंगी कि आपके पैंट में मैंने किसी लड़की का कुछ पाया है, उनको परेशान करेंगे हम। और इसमें देख लीजिए नाप है झाक का पैसा निकाला था ना, क्या नहीं हाँ कर दिए, नहीं करे है चाचू बोले ना, चाचू बोले है I love you, चाचू बोले I love you है। करते हैं ऐसे, फोन पकड़े गिर जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं। बदली ब्लॉग में मैंने सूट किया, हंस रहा है, किटों से आ गई है ऐसे, सब थोड़ा सा थक गए हम, थोड़ा सा बैठेंगे तक हम साफ करेंगे। हम फैला हुआ है देख सकते हैं, मत ले साहब ऐसे नहीं करते हैं। तो बने रहिए। तो दोस्तों काम धाम हो गया है और मुझे फाइनल, क्यों यार क्यों ऐसा कर रहे हो ऋषभ, इतना देख लो उदा गाइस, पता नहीं क्यों इतना शैतान, ये लोग मतलब शैतानी कर रहे, एक दूसरे से ही झगड़ा करते रहते हैं दोनों। ऋषभ मुझसे कर रहा है पहले, ऋषभ देखने में छोटा है लेकिन उसके अंदर ताकत इतना है कि ना दूसरे हंस रहा है, तारीफ हो रही है ना, तारीफ नहीं हो रही है, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ऋषभ देखिए 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 कैसे लड़ाई कर रहा है दोस्तों। अभी मैं अपने पतिदेव को बोली कि मैं आपके जेब में मैंने एक लिपस्टिक पाया और एक क्या बोला था ऋषभ मैंने चाचा से, पाउडर वो भी लेडीज वाला। तो मैंने वो बोले कि नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो ये बोल रहा है हाँ चाचा मैंने देखा है, चाचा मैंने देखा है ऋषभ। तो मेरे को कुछ लेना है थोड़ा सा सामान कुछ, क्योंकि हमें जाना है कहीं, सारे फैमिली जाएंगे तो मेरे को थोड़ा बहुत जो सामान लेना है नहीं, तो मैं यहाँ से दीदी मामा की यहाँ, दीदी मामा वो गए मूवी देखने ना, यहाँ ये देखो तुम फाड़ दिए अल्लाह। तो बिने मामा गया है, बिने को फोन सोचे कि यहाँ जाएंगे लाजपत नगर जाएंगे, तो हम सोचे बिने से मिल लेंगे, कुछ काम भी है, लेकिन हो गया है मूवी देखने तो रात हो जाएगा उसको आते आते। तो फिर मैं बोली कोई बात नहीं आप आराम से आना अपना देखो करके, कभी और आ जाएंगे अगर मिलना जुलना रहेगा। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ रेडी होने, पता नहीं चलोगी चले, अरे तो टाइम नहीं रहेगा, तो वीडियो बना रही मेरा तो सब कुछ ओके है, तो क्या होगा, मैं जा रही हूँ रेडी होने। और अगर इसके बाद जो भी ब्लॉग आएगा कहाँ मैं जा, मतलब लाजपत नगर ही जा रही हूँ, जो सामान लेंगे तो आप लोग हमारे पतिदेव के यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। ओके मिलते हैं कुछ देर में रेडी हो करके।